जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं जनाब मोपली को एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, आमिर साहब मोपली को एंजॉय कर रहे हैं और जनाब एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्लॉग लेके आप खेतमन में हाजिर हो चुके हैं और जगह ही आपने देख ही ली कि हम इस वक्त कितनी खूबसूरत जगह पर मौजूद है। तो आमिर, कौन सी जगह है ये? कपूरवाल का इलाका है, से थोड़ा सा ही आगे एक नहर है, उसके बिल्कुल हम किनारे पे खड़े हैं। सियालकोट का ये गांव है, हैडमराला रोड से आप जब जाते हो, मतलब हैडमराला वाली साइड पर नहीं आपने जाना, कुलवर रोड पे। कुलवर जब आप आगे जाते हो, आगे कपूरवाली का इलाका आता है, उसके आगे पहली नहर आती है, ये वही नहर है जो हैडमराला से गुजरती है। ठीक है, तो ये खूबसूरत नहर का खूबसूरत नज़ारा, और इस वक्त नहर जो है वो तकरीबन सूखी हुई है, थोड़ा सा पानी है बीच में, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में ज़्यादातर नहर यह है वो सूखी रहती है। तो ये मेरे पीछे वो ब्रिज है, तो ये पहली नहर है, इसके बाद दूसरी नहर भी है, दूसरी नहर का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। और इस वक्त इस इलाके में जो खूबसूरती है और जो माहौल है, मेरा ख्याल है वो आमिर को बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल, इसको हम महसूस कर सकते हैं, और हल्की हल्की सी हवा चल रही है, साथ में परिंदों की आवाज़ें हैं। वाह। और इसमें जनाब धूप में हम खड़े हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं, दरख्त, नहर, गांव का जो प्योर माहौल होता है ना, खूबसूरत खूबसूरत माहौल, इस वक्त वहां पे हम खड़े हैं। तो आए जरा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे आगे क्या क्या हो रहा है। चले जनाब, लेट्स गो। दूसरी नहर है, दूसरी नहर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और ये नहर चल रही है, चल रही है, और बड़ी मज़े की आवाज़ आ रही है इसमें पानी की बड़ी मज़े की आवाज़ आ रही है। और ये इस वक्त तकरीबन फुल चल रही है, हमें फुल नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी पानी, काफ़ी ज़्यादा फ्लो इतना है कि आवाज़ दे रहा है। हाँ, तो ये नहर का देखें, ये हैडमराला की जो दूसरी नहर है, ये कुल्लूवाल रोड है और कपूरवाल को तकरीबन क्रॉस किया हमने, तकरीबन एक किलोमीटर हम लोग आगे आ चुके हैं, एक से ज़्यादा। हाँ, तो ये बहुत खूबसूरत एरिया यार, वो पीछे वहाँ पे भी जो था ना वो ब्रिज है पीछे, और अभी उस ब्रिज पे भी चलते हैं। उसके अलावा ये दरख्त है, यहाँ पे जंगल है, मतलब इस तरफ भी आप जाएँ ये पट्टी पूरी, यहाँ पीछे ये भी जो था नहर के साथ साथ चलती है पट्टी, और ये जंगल नुमा एरिया सारा। और ये एरिया जो है ये आपको हैडमराला से भी कनेक्ट करता है, अगर आप सीधा यहाँ से चले जाएँ हैडमराला से आपको दरख्तों के झूम से गुजर के, बिल्कुल पूरा जंगल है, जंगल के बीच में से गुजर के आप आमिर हैडमराला के ढलेवाल के इलाके तक पहुँचे। बिल्कुल, वो बड़ा ज़बरदस्त इलाका है इस जगह को, उसको भी विजिट कभी करवाएंगे, लेकिन फिलहाल हम ये वाला जो एरिया है इसको एक्सप्लोर करेंगे, ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है।
बड़े मंजे पे बैठ गए आप। हाँ जी बिल्कुल, सोचा यहाँ से चले चाय पिए, और ये भी एक एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा मजे का होता है। ये देखें चार भी बहुत बड़ी, और ये देखें आप अगर दिखा सकें तो ये जिस चीज से उनी गई है, बनी गई है, बनाई गई है यार, ये तारे वगैरह, ये टेलीफोन की तारे हैं, ये ना जिसको दोन कहते हैं ना, ये टेलीफोन की तारे हैं। ये तो दूसरी जो हम जो चारपे के लिए दोन इस्तेमाल होती है, और इसका जो साइज है आमिर ये काफी बड़ा है, पांच बंदे तो इस पे लेट जाते हैं आराम से एक टाइम पे। अच्छा क्या बात है जनाब, तो ये जनाब आपके बिल्कुल साइज बड़ा है लेकिन गहराई का गहराई बहुत ज्यादा है, बिल्कुल पीछे नहर आ गई। और ये यहाँ पे छोटे मोटे से जनाब ये खोखे वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे पकोड़े वगैरह मिल रहे हैं, और हमने इस वक्त चाय ऑर्डर की है। तो ये वाला ब्रिज क्रॉस करके हम लोग आए हैं, और ये जनाब बिल्कुल हम लोग किसके नीचे हैं अभी, हम लोग हैं बोर्ड के तरफ। बहुत ही खूबसूरत माहौल, नहर के किनारे पे हैं, और ये साथ ब्रिज है तो उसको क्रॉस करके हैं, और यहाँ पे भी चाय ऑर्डर की है, और नहर का नज़ारा, चाय, ऊपर से इतना बड़ा सा वो मंजा, यानी कि प्योर आपको जो विलेज का जो माहौल है वो आपको मिल रहा है यहाँ पे। और छुट्टी के दिन आप यकीनन इन इलाकों की सैर करें, बहुत से सियालकोट के लोग होंगे जो इस तरफ नहीं आए होंगे, हैंडमराला ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चले जाते हैं, लेकिन दूसरी साइड पर आएँ ज़रा इस साइड पर, यकीनन आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो अभी हम चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद देखते हैं ये चाय है और चाय के साथ है ये गांव में जो खास किस्म की बर्फी बनती है ना यार, ये खोया टाइप बर्फी है। पहले मैं जरा चाय को होल्ड करता हूं, ठीक हो गया, ये मेरी तरफ आए, ये बर्फी क्या कहते हैं। अच्छा ये टेस्ट करके मुझे बताओ पहले ये कैसी है। हाँ जी क्या कहने, इलाके में एक खास बात है यार, गांव में इतनी कमाल की रोड्स, तो यार इतनी अगर आप शहर के अंदर रोड्स चेक करें जरा, मतलब कमाल है, जबरदस्त। सियालकोट में माशाल्लाह रोड्स की जो हालत हुई हुई है आजकल आप देखते ही हैं, जो सियालकोट के रहने वाले लोग हैं बहुत बुरी हालत हुई है, पूरा सियालकोट मैं तो कहता हूँ दोबारा से बनने वाला हो गया। तो ये जब आप गाँव में आते हैं तो यार इतनी कमाल रोड, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम, मतलब यार मैं वहां तक तो आया था इस एरिया में, ये रोड मैंने अचानक देखी, थ्रूट हमें रोड जो है वो अच्छी मिली है। ये रोड चेक करें जरा, मतलब आप ये इसको कह सकते हैं कि छोटी सी मोटरवे बनी हुई है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी इस इलाके पे काम किया, वाकई यार जो गांव है सियालकोट के इनपे काम हुआ है, जिसने भी करवाया है, जो भी यहाँ पे एमएनए या एमपीए जिसके भी अंडर एरिया आता है उन लोगों ने काम यहाँ पे करवाया, डेफिनेटली इसी चीज के ऊपर फिर वोट के हकदार ठहरते हैं यार, कमाल है। एक तो गाँव का ये मतलब होता है ना कि मतलब गाँव की माहौल तो बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन रोड जो है वो कच्चे होते हैं, लेकिन ये जब से रोड बन गया तो ये तो चार चांद लगे हैं जगह, और मुझे इन फ्यूचर ये लग रहा है गांव शहर में बन गया। ये पीछे जनाब नहर, ये कमाल की कारपेटेड रोड, और ये पीछे खेत, और ये बहुत हवा है, हवा की सरसराहट जो दरख्तों के पत्तों में से आ रही है, वाह क्या कहते हैं, कमाल है। कहाँ पे बैठे हैं अभी आप? बिल्कुल जनाब, इस वक्त एक पॉइंट है गोलगप्पे जो है वो यहाँ पे सेल हो रहे हैं, हमने अच्छा। सोचा चले गांव में आए हैं, गांव में आए और गोलगप्पों का मजा ना लिए तो मुमकिन ही नहीं है, वैसे भी आप और मैं निकले और कहीं गोलगप्पे नजर आ जाएं तो वो छोड़ दें ये भी मुश्किल है। ठीक हो गया जनाब, ये इस वक्त सामने यहाँ पे गोलगप्पे वाला सिस्टम चल रहा है, तो गोलगप्पे हम लोग ऑर्डर कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर में गोलगप्पे आएंगे, और जनाब गोलगप्पे खा के तो फिर क्या करेंगे, फिर हम वापसी।
जी आप गोलगप्पे भी हमने खाए हैं और बड़ा मजा है। गोलगप्पे कैसे रहे भाई? बिल्कुल जी, गोलगप्पे बड़े जबरदस्त थे गांव में, ऐसी जबरदस्त चीज़। और इस तरह की जगह पे ऐसी फैसिलिटी मिल जाए, चाहे उसका टेस्ट जैसा मर्जी हो, वो मजे का ही लगता है। तो खट्टे पानी में थोड़ा सा इशू आया था, लेकिन ओवरऑल वेरी गुड, गोलगप्पे खा लिए। तो अभी जनाब ये बड़ी जबरदस्त प्लेस है, ये नहर के साथ साथ, ये बिल्कुल पीछे नहर है तो उसके साथ साथ ये जंगल है। ये रास्ता जो है ये सीधा हेडमराला जाता है। एक तो आप हेडमराला जाते हो ना, हेडमराला रोड से जो मेन रोड है उसकी जो हालत है, मेरा हाल है अगर आप यहाँ से जाएं इस रास्ते से, ये नहर के साथ साथ ये रास्ता जाता है सीधा हेडमराला में, डल्ले वाली के पास से निकलता है। और ये पूरा जंगल है रास्ते में, और पूरा मतलब आपको एक पूरी सरारियत वाला जो माहौल है आपको इस रास्ते में नजर आता है। आगे आगे बिल्कुल वीराना हो जाता है। तो वो इंशाल्लाह ये पूरा का पूरा व्लॉग हम एक नेक्स्ट उस पर बनाएंगे, यहाँ से एडमिरल का सफ़र करेंगे। तो ये उस रास्ते में हम मौजूद हैं, ये साथ नहर और ऊपर ये कवे की आवाज़ें भी आ रही हैं, और दूर से ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, हल चलाते ठीक हो गया। ये बिल्कुल साथ गाँव है ना यार, ये देखो सारा ये सारा एरिया, ये खेत वगैरह यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत माहौल और बड़ा इंजॉय किया हम लोगों ने। बस ये आज के लिए इतना ही, तो होपफुली आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन जनाब जाते जाते एक दरख्वास्त हुई है कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि हम लोग जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है वो टाइमली। अच्छा, ये घंटी वाला ये निशान, ये जो सारा ये अमर ये मामला था ना, ये टेक चैनल्स पे लोग करते हैं, मैंने आज तक कभी यहाँ पे सब्सक्राइब वाला काम मैंने जो है वो चले रिक्वेस्ट कर दी। चलते चलते ठीक हो गया जनाब, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।